नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। वेल दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम बॉलीवुड टुडे में। वेल दिन के कुछ बड़ी खबरों से बॉलीवुड की आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा और आज की इन खबरों में बनी हुई हैं खबरें अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी से जुड़ी, जुड़ी हुई हैं खबरें अमिताभ बच्चन से जुड़ी, श्वेता बच्चन से जुड़ी, सोनी राजदान और आलिया भट्ट से जुड़ी और इसके अलावा दोस्तों खबरें जुड़ी हुई हैं आपके ही कई और पसंदीदा सितारों को लेकर। आज आप जानेंगे कि आखिरकार ये तमाम सितारे कैसे अपने स्पॉट होने से लेकर तमाम उन खबरों को लेकर चर्चाओं का विषय बने हैं और बॉलीवुड टुडे में दिन की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बीते काफी दिनों से ही एक खबर बॉलीवुड गलियारों में काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि अनुष्का शर्मा जल्द ही माँ बनने जा रही हैं। खैर दोस्तों, अब इस खबर में थोड़ी सी सच्चाई है या फिर नहीं इस बात का तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई जहां वो एक क्लिनिक के बाहर स्पॉट की गई हैं। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि मानो खुद ही देर रात अस्पताल पहुंचकर अनुष्का शर्मा ने मां बनने की खुशखबरी दे दी और तस्वीरों में अनुष्का शर्मा की कई सारी फोटोज जहां हैं तो वहीं कहा जा रहा है कि अनुष्का शर्मा जल्द ही बेबी शावर भी रखने वाली हैं। खबरों की मानी जाए तो आईपीएल खत्म होने के बाद अनुष्का शर्मा का बेबी शावर रखा जाएगा और साथ ही साथ पति विराट कोहली भी मौजूद होंगे। लेकिन दोस्तों, खबरें इस तरह की भी वायरल हो रही हैं कि अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी अभी तक सच है या झूठ, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। तो इंतजार करना होगा कि आखिरकार अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी सच होगी या फिर ये भी महज अफवाहें बनकर रह जाएंगी। जैसे कि बीते दिनों काफी ज्यादा अफवाह फैली हुई थी कई सितारों की और भी प्रेगनेंसी की, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की भी प्रेगनेंसी की। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लौट रही हैं श्रीदेवी और मदर्स डे पर फैंस को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल ये खुशखबरी है लेट बॉलीवुड सुपरस्टार श्रीदेवी की फिल्म मॉम को लेकर, जो कि चाइना में रिलीज होने जा रही है मदर्स डे के खास मौके पर। जी हाँ, लास्ट मूवी थी श्रीदेवी की मॉम, जिसको अब चाइना में 10 मई को रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस फिल्म को पहले रिलीज किया जाना था चाइना में 22 मार्च को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बावजूद कहा ये गया कि इस रिलीज को स्पेशल फिल्म को मॉम को रखा गया है चाइना में रिलीज के लिए और साथ ही साथ श्रीदेवी के जो सिनेमा को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो वहीं ये मदर्स के लिए ट्रिब्यूट है कि 10 मई के रिलीज डेट को चुना गया है चाइना में फिल्म मॉम के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि एक्ट्रेस को, जी हाँ, श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड मिला था अपने इस रोल के लिए, जिस अवार्ड को बोनी कपूर खुद लेने पहुंचे थे अपनी बेटियों के साथ। आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीदेवी जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था 24 फरवरी साल 2018 को और आज श्रीदेवी लोगों के दिलों पर राज किया करती हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अबू जानी ने सेलिब्रेट किया है अपना बर्थडे और इस बर्थडे पार्टी में तमाम बॉलीवुड सितारे इस बार मौजूद दिखाई दिए। खैर दोस्तों, यहाँ पर आपको अब हम वो वीडियो दिखाने वाले हैं जहां पर स्पॉट की गई हैं जया बच्चन भी। सही सुना आपने, जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ स्पॉट की गई। जी हाँ, जया बच्चन के साथ गाड़ी में कैसे दिखाई दी हैं श्वेता बच्चन और वीडियो कैसे वायरल हो रहा है, डाली नजर इस खास वीडियो पर। अबे क्या कर रहे लोगो 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 लोगो, अरे लोगो तेरे को मिल नहीं रहे रे, भगाओ भगाओ। जय बच्चन भी है रे, तेरे को क्या लगा? और अमिताभ बच्चन गाड़ी नहीं आया, उसका क्या करेगा? अबे क्या कर रहे लोगो 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 लोगो, अरे लोगो तेरे को मिल नहीं रहे रे, भगाओ भगाओ। जय बच्चन भी है रे, तेरे को क्या लगा? और अमिताभ बच्चन गाड़ी नहीं आया, उसका क्या करेगा? अमिताभ बच्चन फिलहाल एक तमिल फिल्म उयन था मनी थम की शूटिंग में काफी व्यस्त चल रहे हैं
और बीते दिनों शूटिंग सेट से उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इन तस्वीरों में बिग बी का लुक सामने आ गया था। अब खबर है कि फिल्म में उनके साथ साउथ फिल्मों की अभिनेत्री राम्या कृष्णन नजर आएंगी। आपको बताना चाहेंगे कि जोड़ी 20 साल बाद फिर से एक साथ काम करेगी और इससे पहले इन्होंने फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में एक साथ काम किया था। दोनों को साथ में देखा गया था। उन्हें था मनीथम बिग बी की तमिल डेब्यू फिल्म होगी। फिल्म का निर्देशन चल रहा है और फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं कमलवान। फिल्म में अमिताभ फुल लेंथ रोल में नजर आएंगे। फिल्म हिंदी भाषा में भी रिलीज की जाएगी जैसा कि अभी तक खबरें आ रही हैं। फिल्म के निर्देशक ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि अमित जी और राम्या की जोड़ी के साथ दर्शकों को दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी। दो बड़े कलाकारों के साथ काम करना बेहद रोमांचक होता है। फिल्म में अभी दोनों के कई शूट बाकी हैं जिन पर काम चल रहा है। गौर हो इस बात पर कि इससे पहले अमिताभ बच्चन ने फिल्म से जुड़े अपने किरदार के लुक के कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर शेयर की थी। इन तस्वीरों में अमिताभ बच्चन सफेद धोती और सफेद शर्ट के साथ एक लाल रंग का गमछा डाले हुए नजर आ रहे थे। गौर हो इस बात पर कि इसके अलावा उन्होंने पैरों में स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। इस देसी लुक के साथ बिग बी ने लिखा था, ढलती उम्र के साथ एक चीज का अफसोस होता रहता है कि तू बुलाने वाले कम होते जाते हैं। यानी कि अमिताभ की जिंदगी में कमी हो रही है तू बुलाने वाले लोगों की। खैर अब इंतजार किया जा रहा है अमिताभ बच्चन की इसी फिल्म का, तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये फिल्म क्या कमाल दिखा पाती है। हाल ही में धर्मेंद्र को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। आप इसकी कुछ तस्वीरें हमारे इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे और साथ ही देख रहे होंगे कि कैसे धर्मेंद्र इस बार दिखाई दिए हैं। वह आपको हम ये बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र काफी लेजेंडरी एक्टर हैं और साथ ही साथ धर्मेंद्र की एज भी काफी हो गई है। ये तो 83 वर्ष के धर्मेंद्र हो गए हैं लेकिन आज भी काफी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त धर्मेंद्र नजर आते हैं। लेकिन इस बार धर्मेंद्र को एयरपोर्ट पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए देखे हुए चला गया। जी हाँ, ऐसे ही दिख रहे थे धर्मेंद्र इस बार एयरपोर्ट पर और तस्वीरें कहीं ना कहीं आपकी भी आंखें नम कर देंगी क्योंकि धर्मेंद्र किस तरीके से स्पॉट होते हैं वो तो काफी अच्छा होता ही है, लेकिन धर्मेंद्र इस बार थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलते हुए नजर आए थे। लेकिन तस्वीरें काफी खूबसूरत हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखकर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। वेल, स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर पर हाल ही में नजर आए है पूरा भट्ट परिवार। खैर यहाँ पर भीड़ को देखकर थोड़ी सी बौखलाई नजर आई आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान और आलिया भट्ट कैसे भीड़ में बीच में फंसी हुई नजर आई और साथ ही क्या हालत हुई उनकी, आइए आपको इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। अनुष्का शर्मा की प्रेगनेंसी सच है या झूठ, इस बात का तो अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन ये बात पक्की है कि अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं उन्हीं अभिनेत्री के साथ जिनके साथ एक और फिल्म वो कर चुके हैं बॉलीवुड में। तो इसके अलावा दोस्तों हमने आपसे बात की कि कैसे एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर देखा गया सोनी राजदान और आलिया भट्ट को, किस तरीके से ये दोनों नजर आए आपने जाना होगा। इसके अलावा हमने आपसे बातचीत की कि कैसे श्वेता बच्चन को अपनी मां जया बच्चन के साथ देखा गया। तो वही दोस्तों हमने आपसे बातचीत की कि आखिरकार श्रीदेवी की फिल्म कैसे रिलीज की जाएगी चाइना में मदर्स डे के मौके पर। 10 मई की तारीख ही उनकी रिलीज डेट बताई जा रही है फिल्म की, जो कि फिल्म मॉम है। इसके अलावा हमने आपसे बात की कुछ और तमाम खबरों के बारे में। वेल, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।